में क्या प्रतिमा लगेगी? नहीं, प्रतिमा तो आपको पहले ही हमने बता दिया कि हम शांतिपूर्ण मार्च करके जय कन्या उच्च विद्यालय में सभा करेंगे और प्रतिमा लगाने का कार्यक्रम परमिशन तक आगे बढ़ाया गया है। इस संबंध में सरकार की सामूहिक आश्वासन मिल चुकी है और परमिशन मिलेगा हमको, लेकिन इसमें भी जो है सभा करने नहीं देना, ये लोकतंत्र की हत्या है और सिवान जिला प्रशासन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, आज पूरा देश बाबा साहब को याद कर रहा है। आज के दिन इन्होंने जिस तरीका से लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, इसे साफ साबित होता है कि देश में संविधान को जिस तरीके से रौंदा जा रहा है, उसी की अगली कड़ी के रूप में यहाँ का जिला प्रशासन इस कदम को कर रहा है। ये भीड़ देख सकते। प्रतिमा लगाने की जहाँ तक बात है, सरकारी जमीन पर प्रतिमा लगाने के लिए NOC की जरूरत होती है और ये भी संवैधानिक प्रक्रिया है। चूँकि ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई और सरकार ने हमसे आग्रह किया कि जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो आप स्थगित कीजिए, आज हम स्थगित करते हैं, लेकिन ये अभियान हमारा चलेगा। जब तक बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी तब तक हम दम नहीं लेंगे। आप देखिए, ये बुर्जुआ सिस्टम है, इस सिस्टम से लड़के ही बाबा साहब ने संविधान बनाया और बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए भी हमें आज संघर्ष करना पड़ा है। इसके लिए फख्र है हमको, जनता पर हमको भरोसा है, ये संघर्ष आगे रहेगा। क्या कारण है, आप पहुंचे हुए पटना से, कारण क्या मान रहे हैं जो कि प्रतिमा को नहीं लगवाया जा रहा है? ये प्रशासन की अराजकता और तानाशाही है, यही कारण है जी। तो आगे अब क्या होगा, मार्च कहाँ तक जाएगा, वहाँ क्या करेंगे? हम सभा करेंगे शांतिपूर्ण जी। NOC हम लेने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मंत्री ने आश्वासन दिया है बहुत जल्दी NOC मिल जाएगी और संवैधानिक रूप से ही संविधान के निर्माता की मूर्ति लगेगी। गाड़ी उसी दिशा में बढ़ रही है, मूर्ति लगने की दिशा में, मूर्ति लग के रहेगी। ये हम लोगों का आह्वान है, ऐलान है कि बाबा साहब को मूर्ति लगाने से कोई रोक नहीं सकता है, ये हमारी मांग है। तो उसके लिए सरकार से भी लड़ना पड़े तो आप जहाँ जहाँ लड़ना होगा वहाँ वहाँ लड़ेंगे, इसका जो भी पनिशमेंट होगा हम झेलेंगे, लेकिन बाबा साहब के मूर्ति लगा करके ही चैन लेंगे। आपकी जेल जाने के लिए भी तैयार है, किसी भी हद तक जेल भी जाएंगे, गोली भी खाएंगे, केस होगा, सब होगा, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। ये कहाँ तक आप लोग मार्च कहाँ ले जाएंगे, क्या ये मार्च चौराहा तक जाएगा, हम वहाँ सभा करेंगे। अब प्रशासन अगर उद्दंडता करता है तो रोकेगा, नहीं तो इसको रोकने का कोई मतलब नहीं है। शासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, छावनी में बदल दिया गया पूरे दौर। ठीक है, ये मेरा इतिहास रहा है, हमने जनता के अधिकार के लिए, गरीबों के अधिकार के लिए संघर्ष करके ही लिए हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए भी संघर्ष करेंगे। चलिए, आप अपने लक्ष्य के तरफ नजर घुमाइए। आपका लक्ष्य आज का है कि हम चौराहा पर जा करके हम जनता को संबोधित करेंगे, इसलिए सभी साथी शांतिपूर्वक तरीके से सभी साथी शांति बनाने में मदद करेंगे। हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। कोई अराजकता, कोई इधर उधर की कार्रवाई, ये अक्षम्य है। सभी साथी मिलकर सुव्यवस्थित शांति बना करके अपने मार्च को सफल करें, यही हमारी सफलता है। सभी साथियों से आग्रह है। पीछे हटिए थोड़ा सा, मुकुल पीछे हटिए थोड़ा। पीछे ही रही है, अरे रोड पे नहीं, पीछे जाओ। लाठी घंटे से झंडा पूरे दरौली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए मामला तो साफ है, पिछले 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने के लिए दरौली प्रखंड कार्यालय कैंपस में माननीय विधायक सत्यदेव राम जी के फंड से एक चबूतरे का निर्माण हुआ था। मूर्ति भी आई थी, मूर्ति लगना था, हम लोग परमिशन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन एक दिन पहले ही रात में यानी 13 तारीख को 13 अप्रैल के रात में ही स्थानीय बीडीओ द्वारा चबूतरा को तोड़वा दिया गया जेसीबी मंगा करके। जब हम लोग को पता चला तो हमारे लोग गए, जा कर के रोके, रोकने के बाद गाड़ी वगैरह जब्त होकर के थाना भेजा गया। उस समय हम लोगों ने वीडियो पर कार्रवाई करने के लिए मांग किया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई वीडियो पर, और न ही चबूतरा जो ध्वस्त हो गया था उसका निर्माण हुआ। फिर आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, तो पार्टी का फैसला हुआ और हम लोग इस बीच में लगभग 7-8 महीना लगातार कोशिश किए कि परमिशन मिले। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया, उनके कहने के बावजूद भी अभी तक यहाँ ज़िला के स्तर पर परमिशन का कोई लेटर नहीं आया है। और ज़िला प्रशासन आज देख रहे हैं कि पूरी सख्ती के साथ मूर्ति लगाने से रोकने के लिए मुस्तैद है, 144 लगाया है। उसके बाद सीएमओ कार्यालय से भी बातचीत हुई है, हमारे पार्टी नेताओं से भी ऊपर में बातचीत हुई है। सब कुछ होने के बाद जो बातचीत हुई है उसको भी सीवान जिला प्रशासन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ फोर्स पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो अभी तो स्थिति यही है, और आगे हम लोगों को सभा करना है, मार्च करना है, पहले से घोषित कार्यक्रम है। तो अब समय के साथ लग रहा है कि सरकार क्या चाह रही है कि नहीं। देखिए, सरकार तो हम लोग को बार बार आश्वासन दिया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन लिखित कोई लेटर नहीं आया। ये कह करके प्रशासन, जिला प्रशासन जो है रोकने में लगा हुआ है, जबकि हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संविधान के निर्माता रहे हैं और देश में दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा सम्मान है। यहाँ लाखों लोगों का भावना इनके साथ जुड़ा हुआ है, और 2 गज से भी कम ज़मीन लगना है ब्लॉक में। तो बाबा साहब की मूर्ति अगर दरौली प्रखंड मुख्यालय पर नहीं लगेगी तो किसकी मूर्ति लगेगी? इतने महान व्यक्तित्व की मूर्ति लगाने के लिए 2 गज ज़मीन देने में तो प्रशासन क्यों भाग रहा है, सरकार क्यों भाग रही है? तो इससे तो बात उभर करके सामने आ रही है, और आप सब लोग समझ रहे हैं लाखों लोगों की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ जुट रहे हैं। अब आगे की रणनीति जो है जुटने के बाद हम लोग तय करेंगे। क्या लग रहा है कि मूर्ति को हर हाल में यहाँ पे आज लगाया जाएगा? नहीं, देखिए, हम लोग तो ऊपर जो बातचीत हुई है उस बातचीत में यही तय हुआ है कि सरकार के सामूहिक आश्वासन और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के मतलब निर्देश के अनुसार हम लोगों ने तय किया है कि सरकार जब परमिशन देगी तो परमिशन से ही मूर्ति लगाया जाएगा। लेकिन इस बीच में हम लोग एकजुटता मार्च और सभा का आयोजन जो किया है वो जो प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय है उसमें होना है। हम लोग मार्च निकालेंगे, सभा करेंगे, और प्रशासन से हम मांग भी करते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने हमारा जो निर्देश दिया है वो सरकार के सामूहिक आश्वासन के बाद दिया है। तो सिवान जिलाधिकारी जो है इन सारे चीज़ों का पालन करें, 144 को यहाँ से तत्काल समाप्त करें, हमें सभा करने का परमिशन दें, मार्च निकालने का परमिशन दें। हमारी पूरी जनता अनुशासित ढंग से वहाँ जाएगी और जाकर के सभा करेगी, और उनको अपना ब्लॉक की सुरक्षा व्यवस्था चाहे जो करनी है उस काम को करने में वो लगें। उस पर हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 144 हटा करके और पूरी तौर पे हमारी सभा करने का इजाज़त दें। ये स्थानीय प्रशासन क्यों नहीं लगाने देना चाहती है, वजह क्या है? कि देखिए, यहाँ जो स्थानीय वीडियो और यहाँ के सामंती भाजपाई जो ताकते हैं उनको बाबा साहब की विचारधारा से जलन है, बाबा साहब के विरोध में है वो लोग, और पिछले दिनों उन्हीं लोगों के साजिश से चबूतरा तोड़ा गया, और आज वही ताकतें एकजुट होकर के प्रशासन पर दबाव बना रही हैं और कह रही है कि विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जबकि सच्चाई यही है कि हमारे पूरे लोग अनुशासित हैं और पूरी अनुशासन के साथ शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम संपन्न हो और बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगे। 2 विधायक हैं और जो अभी सरकार चल रही है उसमें आप लोग साथ भी दिए हुए हैं, उसके बावजूद विडम्बना है कि आप लोग की बातों को नहीं माना जा रहा है। तो फिर इसे देखिए, एक बात तो साफ हम कह रहे हैं कि हम सही बात है कि सरकार का समर्थन करते हैं, और सरकार के लेवल पर बातचीत हुई भी, सरकार के लेवल पर स्वीकार भी किया गया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इतना ही बात है। अब मानना न मानना जो भी हो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और सिवान जिला प्रशासन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। मौखिक भी अगर ये बात हो गई है तो उनको तुरंत 144 को वापस ले लेना चाहिए और एक सभा तो करने का हर आदमी का अधिकार है। और आज का जो दिन है पूरे देश में पूरे दुनिया में बाबा साहब को लोग याद करते हैं, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हम लोग भी वही चाहते हैं कि उनको श्रद्धांजलि दें, उनको याद करें, हम सभा करें और सामूहिक सरकार के आश्वासन जिसमें सीएमओ कार्यालय से हमारे जो मंत्री जी हैं आलोक मेहता जी, पूर्व थी अभी वर्तमान जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, सब लोगों ने विजय कुमार चौधरी जी माननीय मंत्री जी ने सब लोगों ने सामूहिक आश्वासन दिया कि हम लोग मूर्ति लगाने का परमिशन देंगे। हमारे पार्टी महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से बातचीत हुई और सब कुछ के बावजूद एक सहमति बनी कि हम मूर्ति परमिशन से लगाएंगे, लेकिन हमें सभा करने की इजाज़त दी जानी चाहिए, परमिशन मिलनी चाहिए और मार्च निकालने की परमिशन। तो अभी मार्च निकालने के लिए सभा करने के लिए परमिशन मिला है कि नहीं? अभी तो 144 हम लोग सुन रहे हैं, अभी तो 144 लगा नहीं, मार्च तो निकलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग याद करेंगे, वहाँ चलकर सभा करेंगे, इसमें कोई मतलब ही नहीं होगा।